अब जी हम आए हैं कलकत्ता की फेमस पार्क स्ट्रीट पे, और कलकत्ता आए और बंगाली मिठाई ना खा के जाएं तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए मम्मी अब हम जाएंगे बंगाली मिठाई ट्राई करने के लिए, बहुत सारी, और आपको थोड़ी थोड़ी मिलेगी, मैं भी थोड़ी थोड़ी खाऊंगा और आप लोगों के साथ भी जरा जो है बंगाली मिठाइयाँ ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। पहली बात तो उनके नाम प्रोनाउंस करने के लिए सीखना पड़ेगा क्या क्या बोलते हैं। सोंदेश, उन्हीं से पूछ लेना। हाँ, और मिष्टी दोई। और ये जो पीछे फ्लरीज है, इसका भी कहते हैं कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है, कि भाई आपने ब्रिटिशर वाला खाना खाना है, कि जिसके अंदर की सॉसेज और बेक्ड टमेटो, मशरूम, बेक्ड बीन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। वैंकूवर में नहीं खाया था वो एक ब्रेकफास्ट, वो फ्रेंच कैनेडियन था, मम्मी इंग्लिश है। अब जी पार्क स्ट्रीट वाला जो था ना, वो एक्सप्रेस आउटलेट है, थोड़ी छोटी, तो वहाँ पे थोड़ी वैरायटी भी कम होती है, प्लस वहाँ पे शूटिंग के लिए जगह भी टाइट थी, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं पीछे, एक और है क्योंकि एक चेन है यहाँ पे बहुत सारे हैं। हमें थोड़ा सा ये पता करने में लगा कि बैठने की जगह कहाँ मिलेगी ताकि हम बैठ के आराम से खा सके, वो मिली है फाइनली इवेंचुअली आगे जग्गू बाजार में। और जग्गू बाजार में ये है मम्मी बाजा राम मलिक एंड राधा रमन मलिक, और ये 1885 से मिठाइयाँ बना रहे हैं अब बंगाली। आयो या नोश्वरमाए हैं, आओ जी। मम्मी ये देखिए अपने खास चीज बेक्ड रसगुल्ला, कभी सुना आपने? अच्छा कभी नहीं सुना। काला जामुन। अभी मैं क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई कर लेना, मैं नाम नोट करके लाया हूँ क्योंकि मेरे को भूल जाते हैं, तो इसीलिए आप ये जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ एक एक लगवा दीजिए। हैं एक पंतुआ, एक राजभोग, एक मलाई चमचम, दौरबेश। क्या आपको खाना है अभी? हाँ जी खाना है, एक एक पीसी चाहिए। वहाँ बैठ के ये पंतुआ है, ये पंतुआ है, ये क्या चीज आई? वो जलभरा संदेश, जबरी का संदेश। ओके सर, इसका थोड़ा सा मेरे को बताएंगे कि क्या क्या चीज है, क्योंकि हम तो उनके नाम भी ठीक से नहीं ले पाते। बंगाली तो ये तो जानते ही है, तो रसगुल्ला है। हाँ जी, हाँ जी, बंगाली ट्रेडिशनल रसगुल्ला, हम लोगों का जो ग्लोबल में मिला है रसगुल्ला का। ओके जीपी में मिला है आपको, हम लोगों का जो बंगाल का रसगुल्ला, पहले तो ओडिशा के साथ वो टाया, उसके बाद हम लोग बहुत लड़ाई करके रसगुल्ला को छीन लिया, हम लोगों का प्रोडक्शन है। अच्छा तो बहुत ही फेमस है, वो सब मिलता है। और ये हम लोगों का तो एक फेमस आइटम है, ये है हम लोगों का जलभरा संदेश, गुड़ का जलभरा संदेश। अच्छा, उसका तोड़ेंगे तो अंदर से लिक्विड नॉलेन गुड़ निकलेगा। ओके ओके, विंटर सीजन में, दूसरा सीजन में अब वो हनी रहते हैं अंदर। अच्छा, सिर्फ विंटर सीजन में उसके अंदर नॉलेन गुड़ रहता है। okay. और ये तो जानते हैं आप लोग बंगाली, नहीं लाड्डू नहीं है। अच्छा। लाड्डू अलग है, लाड्डू होता है छोटा छोटा बूंदी देके, मिही दाना जो होता है, और ये होता है बड़ा बूंदी देके, इसका नाम है दौरबेश। दौरबेश, हाँ, ओके। दौरबेश है एकदम प्योर बंगाली ट्रेडिशनल स्वीट, और ये है एक, ये भी बंगाली ट्रेडिशनल स्वीट एक है, ये बंगाल में ही बनाया है ये। अच्छा, कृष्णनगर का होता है सरपुड़िया सरभाजा, वो सरभाजा है ये, और ये है बेक दही, हम लोगों का फेमस आइटम है। अच्छा। कोलकाता में दूसरे कोई पे भी नहीं मिलेगा आपको। ओके। बेक दही है। अच्छा। बहुत ही फेमस आइटम है मिष्टी दही, मिष्टी दही का वो दूसरा रूप है बेक दही, हम लोग मलाई दे के उसको बेक करते हैं हम लोग ओवन में। आज मैं किससे शुरू करोगे? दही से। चलो करो। यार ऐसा रिएक्शन तो मैंने कभी मम्मी का नहीं देखा किसी चीज को भी खाते हुए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वाह जी वाह, मम्मी ने ओके कर दी पहली। अरे बेक रसगुल्ले भी होते हैं इनके, वो भी ट्राई कर दे। बस बस बस, ज्यादा मीठा नहीं है अभी, और भी चीजें ट्राई करो पहले। इतनी मीठी नहीं है। ओ तेरी मम्मी चीटिंग, पहले बाकी तो ट्राई करो। चलो ये गुड चीज को एंड के लिए रख लो ना। करती ओ हो, रुका ही नहीं जा रहा मम्मी से तो।
अब ये जो जल भरा सौंदेश है इसके अंदर गुड़ का पानी बताया है, गुड़ का पानी, ओ ये देखो ये अंदर गुड़ निकला है। अगर आप नजर आ रहा हो तो ठीक है, मेरा फोकस इस पे कर दूं अपने फेस की जगह ताकि आप देख सकें ये क्या चीज़ है जी। बाकी खा के देखते हैं, इसको मेरे को लगता है असली खोया दूध वो सब कुछ है, तो ये इतना सा मेरे लिए छोड़ियो। हाँ असली खोया दूध एक्चुअली मम्मी, ये तो कमाल चीज़ है। अब पहले आपके मुंह में मीठा है, पता नहीं आपको कैसा आएगा कि नहीं टेस्ट, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात है, दे आर नॉट ओवरली स्वीट। दिल्ली में कई बार जो बंगाली मिठाइयाँ मिलती हैं ना रसगुल्ले पर्टिकुलरली, बहुत ज़्यादा चीनी की चाशनी होती है, मगर यहाँ पे बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। सैंड्रा भी कहती है ना इंडियन डेजर्ट्स आर वेरी स्वीट, वहाँ भी बड़े मीठे मिलते हैं, जबकि कनेडियन डेजर्ट्स जो उनके केक पेस्ट्री होते हैं वो भी बहुत मीठे होते हैं, चॉकलेट रीस जो ये सब खाते हैं, बट ये मध्यम मध्यम मीठा एकदम बढ़िया। चलो ट्राई करो। लड्डू जाता है मैड रहे। चम्मच से कौन खाता है यार ये आइटम, मम्मी वो भी छोटी थी है ना, मोतीचूर के लड्डू जैसा है, थोड़ी बड़ी बूंदी है। हाँ, लड्डू जैसा ही। अब रसगुल्ला ट्राई करो और बताओ कि क्या मैं ठीक कह रहा था, क्या फर्क है बंगाली और दिल्ली का। मम्मी तो उसको छोड़ ही नहीं रही है, चम्मच दूसरी देना मिष्टी दोई को। थोड़ा सा अपने वहाँ वाले से फर्क है, हाँ। बहुत ज्यादा मीठी चाशनी नहीं है, हाँ। और मुँह में डालते ही क्या मजा आ रहा है। अच्छा? मेरी हैबिट है रसगुल्ले को निकाल के ना साइड पे ऐसे हल्का स्क्वीज कर देता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा लोड ऑफ चाशनी है वो निकल जाए, वैसे उसके बिना मजा नहीं है। चाशनी बहुत ज्यादा मीठी नहीं है, ये वो रसगुल्ले नहीं है मम्मी जो हम खाते रहे हैं सारी जिंदगी, वो नहीं है, फर्क है। फर्क है। ये ले काले अब। ये मुझे दे दे। बोले मम्मी लेगी और नहीं छोड़ के। ये है गुलाब जामुन फैमिली ही। पंतुआ बोलते हैं। पंतुआ। पंतुआ। गुलाब जामुन फैमिली का ही है, मगर थोड़ी अलग चीज है। अब कितना अलग है वो तो खा के पता लगेगा। और इसका नाम मैं फिर भूल गया, जो कि अंदर मालपुआ टाइप है जिसके अंदर खोया डाला हुआ है। ऊपर से जो है ना ये मालपुआ जैसे ही है, हाँ। और अंदर जो मलाई है वो खोए जैसा स्वाद दे रही है। ओके। ये मालपुआ हमारी नानी बनाया करती थी, मगर मैं बचपन से नहीं खाता, मेरे को शौक ही नहीं है इनका, तो इसलिए मैं तो ट्राई नहीं करूँगा। मम्मी ने कर लिया, मम्मी की फीडबैक आपको मिल गई, मगर ये जो आइटम है ना इसका जवाब नहीं है। मम्मी ने कहा मेरा थोड़ा छोड़ दिया। सबसे बढ़िया ये ना मिष्टी दही, बेक्ड मिष्टी दही, वो इसलिए वो सब हमने खाया हुआ है। ये एक्सोटिक आइटम है, खाई नहीं है, इसमें बढ़िया लग रही है। गुलाब जामुन है मगर कुछ फर्क है। कुछ फर्क है, अच्छा मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुलाब जामुन, थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल सही कह रही मम्मी, है गुलाब जामुन मगर वैसा नहीं है जैसा हम खाते रहे हैं, हल्का डिफरेंट है, क्योंकि बंदा बटर चिकन खाने भी जाए ना चार अलग जगह पे, ढाबे का अलग है, रेस्टोरेंट का अलग है, फलाना रेस्टोरेंट का अलग है, तो बट यहाँ पे अभी लगा लीजिए बंगाली वेरिएंट, बहुत बढ़िया मज़ा ही आ गया। ये दही है, ठंडा ठंडा दही जैसा, अच्छा वो दे रही है, अच्छा हो रहा है, बस ये मीठा दही है। आप एक्सप्लेनेशन मत दो और खाई मत जाओ, मैं देख रहा हूँ आपका हाथ नहीं रुक रहा मम्मी। नहीं ज़्यादा मीठा नहीं है और मैं कुछ नहीं खा रही है, बस थोड़ा सा ले लिया है। मैं वहाँ रसगुल्ला लेने गया, गया मम्मी अपनी जबान से मुकर गई, मम्मी कहती है मेरे को दो ही खाना दो, मैं और कुछ खाऊंगी नहीं। हो गया जी। अरे थैंक यू भैया। अरे वो आप एक रसगुल्ला ट्राई करेंगे तो गरम आइटम है जी, गरम आइटम है।
गरम गुलाब जामुन होते हैं, रसगुल्ला है उसको बेक किया है। चल खा, मेरा तो बहुत हो गया बस। मम्मी जवाब देगी। बड़ी डिफरेंट चीज है भाई साहब, ये वाह गई। रसगुल्ले को बेक करने का आइडिया जिसका भी है बढ़िया है। कई चीज़ों को सोचना मुश्किल होता है कि गरम को आप ठंडा करके कैसे खाओगे, जैसे आइसक्रीम गरम कोई नहीं खा सकता। नहीं, तो वैसे कई चीज़ें होती हैं जिनको एक टेम्परेचर भी बंदा खा सकता है, मगर उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। बट मैं क्योंकि पर्सनली ठंडे मीठों का शौकीन हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट आइटम हेयर। मेरे तो फेवरेट वही थी मम्मी, जौल भरा संदेश। संदेश था ना, मजेदार। बोलो मम्मी, हम नमकीन तो खाना ही है, तो आपके लिए ले लिया ढोकला, वो पर आ गई थोड़ी चटपटी चटनी, मैंने ये ले ली है, वेज कटलेट है। इसके साथ मिली है स्पेशल मस्टर्ड वाली चटनी, ये भी बंगाल में बड़ी फेमस है। क्या बात है, मिठाई के तो आ गई जी मज़े, मगर इतनी मिठाई खा ली है हमने कि लग रहा है अभी कुछ घंटे तो मिठाई नहीं खाई जाएगी, नमकीन खाने के बावजूद भी। इसलिए अब जो है हम लेने लगे हैं टैक्सी। माता जी अपना एयरपोर्ट पे बैठ के पिछली वीडियो के सारे कमेंट वगैरह चेकआउट कर रही हैं, मेरे को फीडबैक बता रही हैं, और यहाँ से अभी बस एक घंटा हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, जैसे ही काम शुरू हो दिल्ली पहुँचे। बस एक घंटा क्या करें भैया। माता जी टीवी लगा हुआ है बढ़िया फ्लाइट में। फाइनली जी पहुंच गए हैं वापसी दिल्ली फरीदाबाद। टेक्निकली स्पीकिंग माता जी जो है डिले हो गए, थके थके खा खा के वो ट्रेन कह रही लो जा चाहे मम्मी इतनी बोंदल गई है, ट्रेन ने इतना लेट करा दिया। हाँ फ्लाइट लेट हमारी हो गई, प्लस लगेज पर टाइम लग गया। मगर एक अजीब चीज ये थी कि जबकि उसमें फ्लाइट में स्क्रीन थी मगर हेडफोन नहीं मिले हमें, तो स्क्रीन का क्या करना है। इंटरनेशनल वाली फ़्लाइट होगी, बाद में लोकल कर दी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने फिर पीछे पीछे की सीट कराई थी फ़्लाइट में, और ए और सी अपने लिए बुक कराई थी, तो बीच वाली हमने सोचा खाली रखेंगे, मगर हमारे साथ कोई बंदा बैठ गया, मगर पीछे पीछे की सीट थी तो साइड वाली सीट पर वो शिफ्ट हो गए, क्योंकि जहाज पीछे बाद में भरा जाता है, तो हमको बीच में सीट फ्री मिल गई, अपना काम हो गया बढ़िया। अब जी दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि मनोज साहब पहुंच गए हो तो फ़ोन करो, तो कल अभी देखते हैं मिलने का प्लान बनता है। तो बाकी वीडियो ये वाली पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए और हमारी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।